हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप तहलका मचा सके। इसी बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन के सिलसिले में अगर अपन आगे बढ़े तो पिछली क्लासेस में हम बात कर रहे थे, अपना एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, जिसमें हमने उसका वन शॉट रिवीजन देखा था। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था मैं दो कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको अलग से पढ़ाऊंगा, एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज जो हम लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेरे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काफी ज्यादा कमियां थी, उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए आ रही है अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जब मैं यहां बताने जा रहा हूं तो मेरे बच्चों अभी मैं सिर्फ इसको टर्म टू एग्जाम को फोकस करते हुए बता रहा हूं, ताकि टर्म टू में जो चीजें आने वाली हैं आप एकदम परफेक्ट तरीके से कर सके। अड्डा 24/7 अगर आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन देने बैठा है तो आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। आप मेरे कौन कौन से वन शॉट रिवीजन वीडियो देख चुके हैं सर? आप मेरे डी एंड एप ब्लॉग के वन शॉट देख चुके हैं सर? आप मेरे सरफेस केमिस्ट्री के देख चुके हैं सर? आप मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के देख चुके हैं? परसों के दिन, मतलब एक या दो दिन बाद, ये मान लीजिए मैं आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स का लाइव सेशन लेके आने वाला हूं, तो अपने लोगों तक पहले ये बात स्प्रेड कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा कि अनुराग सर वन शॉट रिवीजन वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो तहलका मचा देंगे। और एग्जाम जैसे ही आने वाला होगा अपना, तो एग्जाम से चार दिन पहले लंबी लंबी मैराथन चलेंगी जिसमें हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे और कहानियों को डिस्कस करते हुए चलेंगे मेरे बच्चों। तो आज की कहानी शुरू करते हैं बिना डिले करे हुए। कॉन्सेप्ट क्या है अपना? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें क्या क्या देखना है? तो सबसे पहले समझना हम क्या देखने जा रहे हैं, लिमिटेशन क्या थी अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ही है, समझते हुए चलना, क्योंकि एक बार में पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। लिमिटेशन क्या थी अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट कर सके इस लायक मैं ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए। लिमिटेशन क्या थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की समझना, इससे पहले जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी थी। तो समझना, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अजम्पशन। ये बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड थी, और ऐसी थ्योरी जो कि बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड हो, ठीक है, उसका वास्तविकता में कई बार अस्तित्व तो नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे डिस्कार्ड भी कर दिया गया था, ठीक है। दूसरी चीज, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर कैसा होगा, कब होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब कलर शो करेंगे, कलर के पीछे क्या मैकेनिज्म होगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रही थी। मैं आपको सारे कंसेप्ट बताते चल रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछ सकता है। तीसरी चीज, डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बस इतना याद करा दिया था मेरे बच्चों कि CN को याद रख लो और CO को याद रख लो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। क्यों है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैंने ये बात आप लोगों को नहीं कही थी, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, समझ रहे हो ना। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए आज जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, किसी कोने में शांति में बैठ जाइए, क्योंकि आज आपको जो कंटेंट मिलने वाला है कम समय में बम कंटेंट मिलने वाला है, ताकि आप अपने कंसेप्ट एकदम फर्निश्ड कर सकें। तो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की, पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आ जाने वाले हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर मार लिया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है समझना, पॉस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी तक हमने क्या देखा था मेरे बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, अभी तक हमने देखा था सर कि जब हम सर मेटल के सामने लिगेंड आता है तो मेटल का खाली ऑर्बिटल और लिगेंड के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, ये हमने अभी तक देखा था। अब लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है, एक अलग ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू CFT बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड मेटल इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं एक वर्ड पे एम्फसाइज करना चाहूंगा, बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड मेटल इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। अब इस कहानी में समझना, ये कहानी कहती है कि जो भी निगेटिव चार्ज लिगेंड है, मान लीजिए ये CN निगेटिव, जो भी निगेटिव चार्ज लिगेंड है वो किसके जैसे काम करते हैं,
पॉइंट चार्ज जैसे काम करते हैं, निगेटिव चार्ज लिगेंड आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी निगेटिव चार्ज लिगेंड है पॉइंट चार्ज जैसे काम करते हैं, और जो भी न्यूट्रल लिगेंड है, जो भी न्यूट्रल लिगेंड है मेरे बच्चों, जो भी न्यूट्रल लिगेंड आपको देखने मिलेंगे वो पॉइंट डाइपोल जैसा काम करते हैं। किसके जैसे काम करते हैं? पॉइंट डाइपोल जैसा काम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मैं कह सकता हूँ पोस्टुलेट है कि जो भी न्यूट्रल लिगेंड है, जो भी न्यूट्रल लिगेंड है वो किसके जैसे काम कर रहे हैं? पॉइंट डाइपोल जैसा काम कर रहे हैं। और तो और, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक हमको नहीं दी थी कि कलर कैसा होना चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, रंग काला हो या रंग गोरा हो, मतलब ऐसा रंग के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें कलर, रंग, ओ माय गॉड, रंग के बारे में भी जानकारी देने जा रही है। तो ये कुछ इसके मेन पोस्टुलेट थे, ठीक है। अब हम इन मेन पोस्टुलेट के बेसिस पे कहानी को समझने जाते हैं कि कहानी क्या होने वाली है। पहले प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एकदम शॉर्ट में जा रहा हूं मेरे बच्चों, डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। एग्जाम पास में है आप लोगों की, हमें जल्दी से जल्दी इसे पैकअप करना है, इस चैप्टर को एंड करना है। आई होप आप मेरे कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे। चलिए सर, अगर इतना नोट डाउन कर लिया तो अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब हम देखने जा रहे हैं, समझना अब हम क्या देखने जा रहे हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है, देखना, हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बात करने जा रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक मेन पोस्टुलेट ये है, लॉजिक समझना मेरे बच्चों। अगर मेरे पास इधर मैं एनर्जी ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीजें और बताते चल रहा हूँ, और मेरे पास ये डी ऑर्बिटल है। क्या है डी ऑर्बिटल? मेटल के पास डी ऑर्बिटल होता है ना, वैसे ही यहाँ भी डी ऑर्बिटल है। ये डी ऑर्बिटल है, डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ये डी ऑर्बिटल है मेरे पास, ये क्या है? मेरा डी ऑर्बिटल है, ठीक है। चलो, अब डी ऑर्बिटल क्या होता है? जब इसे लिगेंड अप्रोच करता है मेरे बच्चों, तो थोड़ी अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है, एनर्जी इसकी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। अब लॉजिक समझना है, यहां जितने भी ऑर्बिटल दिख रहे हैं सबकी एनर्जी सेम होती है, और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उन्हें कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ये सारे कंसेप्ट लिखते हुए चलना, डी जनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? डी जनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी। क्या बोल रहा हूं मैं, समझना, ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी is called degenerate orbital। एक ऐसा, मतलब ऐसा orbital जिसमें equal energy पाई जाती है, orbitals having equal energy are known as degenerate orbital। बोलो clear है? चलिए, जब ligand ने approach करा, इनकी energy बढ़ी, तब भी इनमें degeneracy maintain है। लेकिन जब ligand सामने आता है, तो समझना मेरे बच्चों, लिगेंड जैसे ही सामने आता है तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल है उनमें भी इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है। याद रखना, ये इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। क्या हो जाता है? डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होता है? टी टू जी ऑर्बिटल में ब्रेक होता है, और किसमें ब्रेक होता है? ई जी ऑर्बिटल में ब्रेक होता है। अब ये जो टी टू जी ऑर्बिटल होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई होते हैं, डी वाई जेड होते हैं, और डी एक्स जेड होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, अगर मैंने बनाया ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये बना दिया मैंने मान लीजिए वाई एक्सिस, तो ये, और मान लीजिए ये जेड एक्सिस, ये बना दिया मैंने जेड एक्सिस, तो ये जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी एक्स जेड है, ये कहां पाए जाते हैं? इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां होता है? इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर डी एक्स वाई की बात करूं तो, अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूं तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां हो पाया जाता है? एक्सिस पे कभी भी नहीं पाया जाता है, एक्सिस पे कभी भी नहीं पाया जाता है। ये चीज दिमाग में सेट कर डालनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पाया जाता है? एक्सिस में पाया जाता है, एक्सिस में, डंबल एक्सिस में आता है। सिमिलरली डी जेड स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कैसा था, डोनट शेल शेप्ड या पीनट शेल शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता था,
डोनट शेल शेप्ड या पीनट शेल शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता था और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग पाई जाती थी, ये इसका शेप था। तो हम क्या कहते हैं, जब भी डी ऑर्बिटल के सामने लिगेंड अप्रोच करता है, डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है, डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है, टी टू जी और ई जी ऑर्बिटल में। ये जो टी टू जी है इसे कहते हैं ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल, मतलब इनकी एनर्जी अभी भी सेम है, इसे कहते हैं ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, इसे क्या नाम देते हैं, ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल। ई जी को क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं डबल डीजनरेट ऑर्बिटल, इसे नाम देते हैं डबल डीजनरेट ऑर्बिटल। दिमाग में सेट कर डालिए, इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट क्या है कि भैया जब भी हम डी ऑर्बिटल के सामने कोई लिगेंड लाते हैं तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, एक हो जाती है ट्रिपल डी जनरेट ऑर्बिटल में जो कि डी एक्स वाई डिवाइजेड और डी एक्स जेड है, और एक हो जाता है डबल डी जनरेट ऑर्बिटल में जो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। आ जाइए इस कंसेप्ट पे, आइए पहले इस कंसेप्ट पे आइए। अब कैसे स्प्लिटिंग होती है, कैसी स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, ये डिपेंड करेगी कि आपका कॉम्प्लेक्स, पहले इतना नोट डाउन कर, आप लोगों ने मारा स्क्रीनशॉट इतना, क्या इतना नोट डाउन कर लिया मेरे बच्चों, क्या इतना नोट डाउन कर लिया, क्या इतना नोट डाउन कर लिया। अब लॉजिक समझना, अब मैं लिख रहा हूं, अब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्या लिख रहा हूं, कंसेप्ट समझना। अरे 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 समझना, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल मैं क्या लिख रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या हमने कह दिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। पिछले क्लास में मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ये मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं। या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। लॉजिक समझ रहे, इस पर डिपेंड करता है, जिसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। लेकिन बच्चों अपने सिलेबस में सिर्फ यही दो दिए हैं एनसीईआरटी में, यही दो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन कोई जेई मेंस के लिए अगर तैयारी कर रहा है या जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है तो उसको ये भी पढ़ना चाहिए, जो कि मैं अभी नहीं बता रहा हूं। जब हम बैचेस अपने लॉन्च करेंगे मेरे बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉम्पिटिशन के बारे में, नीट के बारे में बात करेंगे, जेई के बारे में बात करेंगे, तब मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बताऊंगा। आज मुझे जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है और ऐसे खत्म करना है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो हमने क्या बोला, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल देखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, किसमें देखने जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने जा रहे हैं। और तो और इतना कहना चाहूंगा, जहां बैठे हो दिमाग एकदम फोकस हो जाना चाहिए, इधर-उधर ना भटके, इधर-उधर बिल्कुल भी ना भटके, एकदम फोकस हो जाओ, जहां बैठे हो फोकस हो जाओ मेरे बच्चों। तो लॉजिक समझना, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, किसमें बात करने जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अपन स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मैं क्या लिख रहा हूं, इधर हेडिंग डाल रहा हूं मैं एनसीईआरटी का, मैंने एकदम डायग्राम लिया है, ठीक है, मैं इसको अपने तरीके से भी समझाते हुए चलूंगा, समझना। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हेडिंग डालना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, किसमें देखने जा रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले ये अपना डी ऑर्बिटल है, बोलो क्या है, ये अपना डी ऑर्बिटल है, बोलो क्लियर है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, आपने देखा होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर पता करना है तो ये मेटल है, बोलो मेटल है। अब उसको लिगेंड कैसे घेरते हैं, एक लिगेंड ऊपर से आया, एक लिगेंड नीचे से आया, और ये स्क्वायर प्लेनर, ये होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, हम क्या देखने जा रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है।
देखना देखना, सबसे पहले मेटल आयन और उसका डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, मेटल और उसका डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या होगा, एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी जब लिगेंड उसको अप्रोच करेगा, तो एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में जैसे ही डी ऑर्बिटल के एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, और जैसे ही लिगेंड आया, जैसे ही अपना क्या आया मेरे बच्चों, लिगेंड आया, बोलो कौन आया, लिगेंड आया, डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाता है, एक टूट जाता है T2G में, किसमें टूट जाता है T2G में, और एक टूट जाता है मेरे बच्चों EG में, एक टूट जाता है EG में, ये NCERT में डायग्राम बना हुआ है। अब जो T2G का एनर्जी डिफरेंस आया 2/5 डेल ओ, जहां पर डेल ओ क्या है, डेल ओ क्या है समझना, डेल ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड, बोलो मेरे साथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अभी रुक जाओ पिक्चर खत्म नहीं हुई है, स्प्लिटिंग एनर्जी, एनर्जी और ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस, डेल ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डेल ओ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना आया डेल ओ सर, T2G के लिए आया डेल ओ 2.5 डेल ओ, ये पूरा डेल ओ है, पूरा एनर्जी डिफरेंस डेल ओ है, लेकिन T2G में कितने से एनर्जी कम हो रही है, अगर अपन बैरी सेंटर से देखें, एक बैरी सेंटर से देखें, तो याद रखना T2G के लिए एनर्जी 2.5 डेल ओ से कम होती है, या मैं इसको कह सकता हूं -0.4 डेल ओ से कम होती है। और मैं अगर EG की बात करूं, इसमें जो एनर्जी बढ़ी हो कितने से बढ़ रही होगी, उसके पीछे की वजह भी बता रहा हूं, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है +0.6 डेल ओ से बढ़ जाती है। अब इसकी एनर्जी क्यों बढ़ रही है, dx स्क्वायर y स्क्वायर की एनर्जी क्यों बढ़ रही है, और dxy dyz और dxz की एनर्जी क्यों घट रही है, इसके पीछे की वजह अपन जानते हैं। क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए। अब होता क्या है मेरे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, सबसे पहले ये जो dxy dyz और dxz होते हैं, ये कहां होते हैं, अपने प्लेन में होते हैं, कहां होते हैं, प्लेन में होते हैं, ठीक है। और जो लिगेंड अप्रोच करता है, जब लिगेंड अप्रोच करता है तो वो किधर से करता है, तो लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है मेरे बच्चों, लिगेंड अप्रोच कर रहा है यहां पे एक्सिस से। अब लॉजिक समझना है, यहां पे हुआ क्या, हुआ ये, हुआ ये, हुआ ये कि सर 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 कलर कहां है मेरे, जहां से मैं चूज करता हूं, सर लॉजिक समझना, ये मेरा मान सकता हूं मैं कि ये एक एक्सिस है मेरा, मान लो एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, और मान लो ये मेरा जेड एक्सिस है, मान लिया मैंने एक्सिस, मानने में क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सर ये मेरा जेड एक्सिस है। अब अगर मैं कहूं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये कहां पाए जाते हैं सर, ये तो एक्सिस में नहीं पाए जाते, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहां पाए जाते हैं, ये किसी भी एक्सिस में पाए जाते हैं, एक्सिस में पाए जाते हैं। लॉजिक समझना, लिगेंड अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, मैंने मान लिया मेरा एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, अब मेरे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहां पाए जाते हैं, ये अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं। अब अगर ये अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन भी अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो दे फील मिनिमम रिपल्शन, और अगर मिनिमम रिपल्शन फील करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ये हमेशा एक्सिस पे नहीं पाए जाते, ये तो प्लेन में पाए जाते हैं, तो इनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम ये कह देते हैं कि EG की जो एनर्जी होती है प्लस 0.6 डेल ओ से बढ़ती है, और T2G की एनर्जी -0.4 डेल ओ से कम हो जाती है। क्यों बढ़ी एनर्जी सर, क्योंकि मैंने कहा dx square y square और dz square कहां पाए जाते हैं मेरे बच्चों, ये पाए जाते हैं सर along the axis, और ligand भी approach कर रहा है along the axis, तो ligand और इनके बीच में d orbital के बीच में repulsion होगा और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये होता है octahedral complexes में, क्या होता है octahedral complexes में होता है। अब logic समझना, बोलो clear हो गया, बोलो clear हो गया, क्या इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को, इतने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बोलो किसकी बात आती है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है। अगर डी इलेक्ट्रॉन भरना है अपने को डी ऑर्बिटल में, तो कैसे भरेंगे, तो अब अपन देखने जा रहे हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, पहले इतना नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूं। फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन, चलो देखना जी,
अब मैं क्या कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आप लोगों को, लॉजिक समझना। अब हम देखने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालिए फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या देखने जा रहे हैं हम, फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन देखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम क्या देखने जा रहे हैं, CFSE देखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये चीज दिमाग में सेट कर डालिए। बोलो हम क्या देखने जा रहे हैं, सर हम फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन देखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। आपको दिमाग में सबसे पहले क्या क्लियर हुआ, आपके दिमाग में क्या क्लियर हुआ, एक बात दिमाग में सेट कर डालिए, सर हमारा ये सबसे पहले मैंने बनाया एनर्जी, ये लॉजिक समझना, ये मैंने बनाई थी एनर्जी इधर, ठीक है, ये मैं इधर बनाई थी एनर्जी। बोलो इधर मैंने क्या लिखी थी, एनर्जी। सबसे पहले ये मेरा डी ऑर्बिटल था, बोलो कौन सा ऑर्बिटल था, डी जनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक है। जब लिगेंड अप्रोच करता है इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है क्रिस्टल फील्ड में, क्रिस्टल फील्ड में इसकी एनर्जी थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है, मेरे डी ऑर्बिटल की, एकदम समझते हुए चलना, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब लिगेंड आया इसके सामने कौन आया मेरे बच्चों, इसके सामने जैसे ही लिगेंड आया तो अब क्या हुआ, लिगेंड और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ और एक की एनर्जी जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अभी मैंने बताया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, वो अलॉन्ग द एक्सिस पाए जाते हैं, दे फील मिनिमम रिपल्शन, उसे कहते हैं ई जी ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी ज़्यादा और टी टू जी की एनर्जी कम, वही कहानी है, मैं फिर से रिपीट करते चल रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं जिन्हें ई जी ऑर्बिटल कहते हैं, और नीचे कौन आ गए अपने डी एक्स वाई एक्सिस पर नहीं पाए जाते, डी वाई जेड और कौन आ गए, डी एक्स जेड, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये मेरा बैरी सेंटर है, ये मेरा क्या है जल्दी बता दो, ये मेरा बैरी सेंटर था, ये मेरा क्या था मेरे बच्चों, बार-बार बता रहा हूं, आप लोगों को एग्जाम में बनाना आना चाहिए, ये मेरा बैरी सेंटर था, मेरा क्या था, बैरी सेंटर था, इससे मैंने देखा कि जो एनर्जी है, पूरी एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा था, डेल ओ, जिसे अपन क्या नाम दे रहे थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नाम दे रहे थे, इसे क्या नाम दे रहे थे, डेल ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नाम दे रहे थे। इसकी एनर्जी कितने से बढ़ी थी अपनी, किसकी, ईजी की, सर ईजी की एनर्जी बढ़ गई थी सर कितने से, प्लस 0.6 डेल ओ से, और इसकी कितने से घटी थी सर, इसकी घटी थी सर -0.4 डेल ओ से, ये घटी थी सर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो सर कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, अब डिपेंड करता है कि भैया मैं लिखने जा रहा हूँ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या देखने जा रहा हूँ, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे पहली कंडीशन अपन देखने जा रहे हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, सबसे पहले कंडीशन किस में देखने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या दूसरी कंडीशन अपन देखने जा रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड है, या दूसरी कंडीशन अपन देखने जा रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तेजी से अप्रोच करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड थोड़ा वीकली अप्रोच करते हैं। चलिए ये भी बताएंगे किस बेसिस पे डिसाइड करा, अपन डिसाइड करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे, और अपन बनाते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आना बाकी है, क्या आना बाकी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आना बाकी है, अब अपन फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन करने जा रहे हैं, कहता नोट डाउन करा, मैं थोड़ा सा कहानी को ऊपर बढ़ा रहा हूं, अब मैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने जा रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और किसमें करने जा रहा हूं, वीक फील्ड लिगेंड में करने जा रहा हूं, अब लॉजिक समझना, मेरे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बोलो क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है मेरे बच्चों, ये जो मेरा P2G था और ये मेरा EG था, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, एनर्जी का डिफरेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है, और वीक फील्ड लिगेंड में मैं कह सकता हूं ये जो T2G है और EG के बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है, एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है, ठीक है, लॉजिक समझना जी। तो क्या होगा सबसे पहले जब डी इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे पहले डी वन इलेक्ट्रॉन आया तो वो कहाँ भरेगा, T2G, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, T2G में भरा और EG में अभी कुछ भी नहीं है,
ईजी में अभी कुछ भी नहीं है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर आपको इसके लिए कैलकुलेट करनी है तो याद रखना अपन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं एंड कैलकुलेशन, और ये भी लिख देना कैलकुलेशन ऑफ डेल ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प। इसके लिए दो चीज याद रखना, हम T2G की वैल्यू मान लेते हैं कितनी -0.4 और EG की वैल्यू मान लेते हैं हम +0.6। अभी मैंने बताया आप लोगों को, देखो इधर T2G की वैल्यू मान लेते हैं -0.4 और EG की वैल्यू मान लेते हैं +0.6। कितनी मान लेते हैं +0.6। लॉजिक समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो D1 जो भरा T2G1 में भरा EG0, तो डेल ओ इसके लिए कितना माना था अपन ने -0.4 × 1, कितनी वैल्यू आई अपनी -0.4 आ गई। बोलो क्लियर है? अब D2 भरा इलेक्ट्रॉन इधर ही गया, T2G2 में भरा और EG0। बोलो क्लियर है? जो डेल ओ आएगा वो कितना आ जाएगा -0.4 × 2 = कितना हो गया -0.8। लॉजिक समझते हुए चल। अब D3 जो भरा, भरते जाओ T2G3 और EG0 हो गया, डेल ओ कितना आया -0.4 × 3 कितना आ गया -1.2 आ गया, कितना आ गया -1.2 आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी भर चुका। अब क्या होगा, हम देख पा रहे हैं T2G और EG में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डेल ओ होता है वो ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। और पेयरिंग स्टार्ट हो गई मेरे बच्चों, तो D4 जो जब जाएगा वो यहां गया और T2G4 हो गया, EG0 हो गया और डेल ओ कितना आया -0.4 × 4 कितना हो गया -1.6 हो गया। अब D5 जब जाएगा, देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, T2G5 में गया, EG0 है अभी भी, ये यहां गया, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। हम हुंड पाउली बहुत सारे रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, वो रूल हमेशा फॉलो होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल ओ कितना हो गया -0.4 × 5 हो गया ये -2.0। बोलो क्लियर है? अब D6 जब आया, हम कहते हैं कि T2G कितना हो गया, T2G6 हो गया, EG कितना आ गया, EG0 आ गया, EG0 आ गया और डेल ओ हमने लिख दिया -0.4 × 6 = -2.4, कितना हो गया -2.4 हो गया। अब D7 की बात करें T2G6 तक भर चुका है, पेयरिंग हो चुकी है, यहाँ तक ये पूरी फुलफिलिंग हो चुकी है। अब जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और EG हो जाएगा 1, मतलब मैं कह सकता हूँ डेल ओ -0.4 × 6 तो होगा ही होगा प्लस 0.6 × 1 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, 0.4 × 6 ये हो गया 2.4, तो ये हो जाएगा -1.8। अब अगला देखना, जब D8 भरेंगे अपन, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मेरे बच्चों, अब थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ या इसको हल्का छोटा कर देता हूँ समझना। अब जब हम D8 भरेंगे तो कहाँ जाएगा, T2G6 भर चुका है, EG2 में जाएगा और अपना डेल ओ कितना हो जाएगा -0.4 × 6 + 0.6 × 2 ये आ गया -1.2। अब D9 जब भरेंगे, T2G6 तक भर चुका है, EG में जाएगा 3, ये यहां पे गया अपना और डेल ओ कितना हो जाएगा -0.4 × 6 + 0.6 × 3 कितना हो जाएगा -0.6। और लास्ट वाला D10 की बात करें तो T2G6 गया, EG4 गया अपना, डेल ओ कितना हो जाएगा -0.4 × 6 + 0.6 × 4 ये हो गया अपना 0, कितना हो गया 0। दिस इज द कंसेप्ट, आपको कभी भूलना नहीं है। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, और याद रखना कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, इस कंसेप्ट को याद रख लेना, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप तहलका मचा दोगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पहचानना। ये अपन ने स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देख ली अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, ये एनर्जी का डिफरेंस काफी कम होता है। तो अब कहानी समझते हुए चलना क्या होने वाली है और डेल ओ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हुए चलना इस कहानी को जी, ठीक है। सबसे पहले डी बन गया तो ये यहीं पे गया, कितना हो गया T2G1 और EG0, मतलब -0.4 × 1 कितना आ गया -0.4 आ गया। अब D2 की बात करूं, D2 की बात करूं, ये कितना हो गया T2G2 EG0 कितना हो गया
माइनस 0.4 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 0.8 हो गया। अब D3 की बात करूं ये कितना हो जाएगा, T2G3EG 0 हो जाएगा, माइनस 0.4 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 1.2। सर यहां तक तो कहानी सेम चल रही थी, यहां तक तो कहानी सर सेम चल रही थी, सर यहां तक तो कहानी सेम चल रही थी, लेकिन इस केस में क्या होता है मेरे बच्चों, एक चीज दिमाग में सेट कर डालिए, यहां होता है कि जो आपकी पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो अब इलेक्ट्रॉन इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस भी कम है तो ये यहां चला जाता है, और डी फोर के केस में क्या होता है T2G में ना 3 तक भर के ईजी हो जाएगा 1, ईजी हो जाएगा 1, और माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 कितना आ गया, ये आ गया अपना माइनस 0.6। अब यहां से कहानी बदलना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, यहां से कहानी बदलना शुरू हो गई। अब D5 की बात करें, T2G अपना 3 ही रहेगा, EG हो जाएगा 2, EG हो जाएगा 2, और कितना हो गया माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, ये हो गया कितना अपना 0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि D5 के केस में हम कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, कितनी आ रही है, 0 आ रही है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ठीक है। और हमेशा याद रखना वीक फील्ड लिगेंड कैसे बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पूरी एनसीईआरटी अपन रट डालेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए जी अब बात करते हैं डी सिक्स, अब डी सिक्स वापस इधर आया, डी सिक्स वापस इधर आया और पेयरिंग स्टार्ट हो गई T2G4 और EG2, मतलब कितना माइनस 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 0.4 इंटू 4 इंटू 0 1.6 माइनस 0.4 कितना हो गया, माइनस 0.4, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, माइनस 0.4। अब D7 की बात करूं, D7 की बात करूं कितना हो जाएगा, T2G5EG2 भर चुका है, माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 0.8, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया। D8 की बात करूं कितना हो जाएगा, T2G6EG2 ये हो गया माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस 1.2, बोलो क्लियर है, यहां तक भर चुका है। बस यही डिफरेंस आपको देखने मिलता है D4 से लेके D8 तक, और इसमें भी D4 से लेके D8 तक डिफरेंस देखने मिलता है। अब D9 की बात करें, D9 की बात करें तो T2G6 हो चुका है, EG3 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, EG3 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 4 24 मतलब 2.4, और ये हो जाएगा माइनस 0.6। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और लास्ट बात करें अपन D10 की, तो ये T2G6EG4 मेरे बच्चों, और माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और किस तरीके से आप कहानी को प्रोसीड करा रहे हैं, किस तरीके से आप कहानी को प्रोसीड करा रहे हैं। मैंने एक पेज में इस सारी कहानी को बता दिया, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करिए इसे। एग्जामिनर कुछ भी पूछे, एग्जामिनर कुछ भी पूछे, ना डरना है ना घबराना है, बस कॉन्सेप्ट करते हुए चले जाना है, ना डरना है ना घबराना है, बस कॉन्सेप्ट करते हुए चले जाना है, बोलो क्लियर है। क्लियर है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। आई होप आप ये पूरी कहानी समझ गए होंगे, मैंने कहां से शुरू करी थी, ये यहां से शुरू करी थी और यहां पे खत्म करी है। आई होप आप इस पूरी कहानी को समझ चुके होंगे, एकदम डिटेल में हमने करा और तहलके के साथ करा, एकदम डिटेल में करा और तहलके के साथ करा, क्लियर है। आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को, स्विच करता हूं पुरानी कहानी पे, स्विच करता हूं पुरानी कहानी पे, सेव कर लेते हैं, अच्छा खासा बना है ये। चलो फाइल नंबर डाल देते हैं अपन, कौन सी अपनी CFT, ओके ओके, चलो बैक टू आ जाते हैं पवेलियन, बैक टू आ जाते हैं पवेलियन। अब बात करते हैं अपन किस में, CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, समझना हम किस में देखने जा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, किस में देखने जा रहे हैं, हेडिंग डालना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल
कॉम्प्लेक्सेस। लॉजिक समझना जी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो ये मेरा डी ऑर्बिटल होता है। बोलो क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। अब डी ऑर्बिटल के सामने एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, और जैसे ही लिगेंड अब अप्रोच करता है, लिगेंड जब अप्रोच करता है, कौन अप्रोच करता है? लिगेंड अप्रोच करता है, ये डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है, लिगेंड अप्रोच करा, लेकिन यहां पर कहानी उल्टी होती है। ऊपर जाता है टी टू जी, और हम यहां पर जी जो था उसे यूज नहीं करते, बुक्स डायरेक्ट टी टू ही यूज करती है, और नीचे आ जाता है ईजी या डायरेक्ट ई अपन बोल देते हैं। अब कहानी क्या होती है कि सर ऊपर टी टू जी और नीचे ईजी क्यों गया? अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखो, किसको देखो? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखो, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब यहां जो लिगेंड होता है एक्सिस से अप्रोच नहीं करता है मेरे बच्चों, वो कहां से अप्रोच करता है? इधर साइड से अप्रोच करता है। और इधर साइड कौन पाए जाते हैं प्लेन में? कौन पाए जाते हैं? वहां पाए जाते हैं डीएक्सवाई, डीवाईजेड और डीएक्सजेड, और वो वहां पे ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है? 2.5 डेल ओ से, या मैं कह सकता हूं 0.4 डेल ओ से बढ़ जाती है। और इनकी एनर्जी कितने से घट जाती है? 0.6 डेल ओ से घट जाती है। कितने से घट जाती है? 0.6 डेल ओ से घट जाती है। और इतना याद रखना, और लास्ट में आपको याद रखना है डेल टी और डेल ओ में क्या रिलेशन होता है, तो डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ के बराबर होता है। डेल टी किसके बराबर होता है? 4/9 डेल ओ के बराबर होता है। इतना याद कर लीजिए आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और हम कह सकते हैं यहाँ पे टी का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मैंने आपको बता ही दिया ईजी की वैल्यू कितनी होती है टी टू जी की, उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में अभी 12th लेवल पे इतना ज्यादा हो जाएगा, कंपटीशन की तैयारी करेंगे हम, पूरा डिटेल में इसको बताएंगे, लेकिन अभी 12th के लेवल के लिए इतना काफी है। आप टर्म 2 एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। और जब मेरी मैराथन सेशन आएंगे, आप एग्जाम से 4 दिन पहले अड्डा 24/7 पे जुड़े रहना, आप तहलका मचा देंगे। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो जी, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, और बात करता हूं मेरे बच्चों किसके बारे में? बात करता हूं मैं किसके बारे में? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। जैसे मैंने वीबीटी में आप लोगों को बता दिया था कि वीबीटी की एक कमी थी कि वो ये नहीं बता पाई कि भैया कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। वो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देगी किसके बेसिस पे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे। और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कौन वीक फील्ड लिगेंड होगा, मैंने वहां पे आपको बता दिया था सीएन और सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप याद कर लो। लेकिन सर याद कैसे करें इतनी पूरी सीरीज को, इतनी पूरी सीरीज को याद कैसे करें? तो याद रखना, अपन याद रखने का तरीका बता रहा हूं, और लास्ट चीज है बहुत अच्छे से दिमाग में समझना, इमली आई मतलब इमली, इसको ऐसे याद रखना, इमली बेर, ब्रोमीन मतलब बेर, इमली बेर लेकर लेकर सचिन, सचिन एस सी एन, इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, चला मतलब क्लोरीन और स्कूल मतलब सल्फर। इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, फिर ओ माय गॉड से कुछ भी नहीं है, फिर ओ माय गॉड ऑक्सेलेट को पानी से मतलब पानी से, क्या बोला मैंने? इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, फिर ऑक्सेलेट, फिर ओ इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, फिर ओ माय गॉड ऑक्सेलेट पानी से ना चाह कर भी EDTA अमोनिया इन, ना चाह कर भी EDTA अमोनिया इन, क्या बोला मैंने? EDTA अमोनिया इन, और कैनेडा कोलंबो, बस इससे आप याद कर सकते हैं। इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, फिर ओ माय गॉड ऑक्सेलेट को पानी से ना चाह कर भी EDTA अमोनिया इन कैनेडा कोलंबो।
देखो भाई, आप कोई आसान ट्रिक बना सके आप आसान ट्रिक भी बना सकते हैं। अपन ने क्या ट्रिक बनाई, इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, फिर ओ माय गॉड, ठीक है, ऑक्सलेट पानी से ना चाह कर भी ईडीटीए अमोनिया इन कनाडा, कनाडा कोलंबो, ईडीटीए अमोनिया इन कनाडा कोलंबो, ना चाह कर ओ, इमली बेर लेकर सचिन चला स्कूल, फिर ओ माय गॉड, ऑक्सलेट पानी से ना चाह कर भी ईडीटीए अमोनिया इन इन कनाडा कोलंबो। एक छोटी सी जिंगल थी जिससे आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th लेवल पर पता नहीं इतना पूछ पाता है एग्जामिनर या नहीं पूछता, लेकिन सीएन और सीओ आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, ये इससे क्लियर हो गया। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर को परफेक्ट करा दूंगा और मैं आप लोगों तक परफेक्ट करा चुका हूं। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे बच्चों। और इसी के साथ हमने कहा था कि हम एकदम इस चैप्टर को और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बहुत अच्छे से करेंगे, टर्म टू के लिए तहलका मचा देंगे, और हमने टर्म टू में तहलका मचा दिया। बने रहिएगा मेरे साथ अड्डा 24/7 के साथ, मिलेंगे अगले सेशन में ऐसे ही मजे के साथ, मस्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।